ये देखिए लग रहे हैं ना टेम्पटिंग फ्रेंड। एक है चिल्ली के पॉपकॉर्न और एक है समोसा रिंग्स। तो चलिए इस डिश को बनाते कैसे बनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शोभा। वेलकम माय चैनल शोभा रसोई। आज मैं बनाने वाली हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ फ्रेंड, तो आज मैं बनाने वाली हूँ दो तरह के नाश्ते। तो पहले बनाएंगे हम रिंग समोसा जो बहुत ही टेस्टी है। उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है। अब तो मैदा रोल कर लेंगे, रोटी बेल लिया ऐसे पतले पतले टाइप के। तो इसको एक के ऊपर एक हम लगा के इसका इक्वल साइज कर लेंगे, किनारे से हम काट देंगे। देखिए इस तरह से हमने काट लिए, इसको अलग कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम पिज्जा सॉस लगा लेंगे। आप शेजवान चटनी भी लगा सकते हो, मैं पिज्जा सॉस लगा रही हूँ। इसके ऊपर हमने एक आलू मैश करके रखे हैं, उसको लगा देंगे एक पतली सी लेयर। थोड़ी सी इसके ऊपर हम हल्का हल्का वेज लगा देंगे, कैबेज, कैरेट, थोड़े से शिमला मिर्ची बारीक बारीक कटा हुआ, ये शिमला मिर्ची डाल दिया हमने। ये गाजर डाल दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हम पनीर ग्रेट करके डाल देंगे, आप चाहो तो चीज भी डाल सकते हो, मैं पनीर डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर से हमने दूसरा जो हमने मैदा का बेल के रखा था उसको लगा देंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। लगा दिए। अब इसके हम पतले पतले ऐसे स्ट्रिप काट लेंगे, अलग कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा रोल कर देते हैं, ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, इसको ट्विस्ट करके इसे हम ऐसे रिंग बना लेंगे। ऐसे ही सबको बना लेते हैं। इसे अच्छा से प्रेस कर देंगे, नहीं तो खुलने कट रहेगा। ये देखिए इस तरह से हमारा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको हम एक एक करके डाल देंगे, एक साथ में बहुत ज्यादा हम नहीं डालेंगे। और हल्का गोल्डन कलर का हो गया, अब इसे हम निकाल देंगे, बाकी का भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने सब फ्राई कर लिए। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे टमाटो केचप। ये हमारे रेडी हो गए रिंग समोसा। अब चलते हैं दूसरी डिश की ओर। हमने ये ले लिए ऐसे मिर्ची, तो इसके हम थोड़ा सा कुछ अलग सा स्नैक्स बनाते हैं। तो इसको मैंने पीछे से काट के इसे सारे अंदर के बीज निकाल लिया। देखिए अब इसके फिलिंग बनाते हैं। ये हमने थोड़ा सा गाजर, कैप्सिकम, थोड़ा सा मिर्ची ले लेंगे, शिमला मिर्ची कटा हुआ, थोड़े से डालेंगे पनीर, थोड़े से चीज इसके अंदर डाल देंगे, एक चम्मच केचप, थोड़ी सी नमक। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। फिलिंग्स को मिर्ची के अंदर भर देंगे हम। सब मिर्चियों के अंदर हमने फिलिंग्स भर दिए। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे। मिर्चियों को काट लिया हमने। अभी एक स्लरी बना लिए हैं, स्लरी थोड़ा सा हल्का गाढ़ा लग रहा है,
अब इसमें एक एक मिर्ची हम पीस डालेंगे। और हमने कॉर्नफ्लेक्स को क्रश कर लिया है, उसमें कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे ही सारे। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स में डाल देंगे, इसको कोटिंग कर लेंगे कॉर्नफ्लेक्स से। ऐसे ही सब हम रेडी कर लेते हैं। अब हम एक एक करके तेल में डाल देंगे। गोल्डन कलर से हो गया, अब इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए अब इस पॉपकॉर्न का, हमने चिल्ली पॉपकॉर्न बना लिया, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बनके रेडी हो गए हमारे दो नाश्ते, बहुत ही झटपट और घर के सामानों से बनने वाला। आप छोटी मोटी पार्टी में बन रखिए, किटी पार्टी में रखिए, मेहमानों को खिलाइए, सब खुश हो जाएंगे और पूछेंगे इसकी रेसिपी की कैसे बनाई। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिश अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी